आपका स्वागत है, मैं हूं मिताली सहगल। नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। आतंकी उसंग पकड़े गए डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई हुई तीस, हुए खुलासे, कांग्रेस ने भी दागे सवाल। जम्मू कश्मीर में आफत बनकर आए हिमस्खलन, बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 3 जवान शहीद और 2 लापता। 800 सीआईएसएफ जवान करेंगे जम्मू श्रीनगर एवं लद्दाख हवाई अड्डों की सुरक्षा। सेना का प्रस्ताव 1965 से 1971 जंग के योद्धाओं को मिले स्वतंत्रता सेनानी पेंशन। अब समाचार विस्तार से। हिजबुल कमांडर नवीद बाबू के साथ पकड़े गए डीएसपी देवेंद्र सिंह से पूछताछ में हुई खुलासे के बाद उनके श्रीनगर में इंदिरा नगर स्थित आवास पर छापा भी मारा गया है। पूरे मामले से जुड़ी अहम कड़ियां तलाशने के लिए एक दर्जन जांच टीम बनाई गई है। ये टीम कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जांच कर रही है। एक टीम स्थानीय तौर पर शोपियां में है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में मामले की जांच एनआईए को भी सौंपी जा सकती है। उत्तरी कश्मीर में हिमस्खलन और भारी बर्फबारी से पिछले 48 घंटों में जमकर तबाही मचाई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के मचेल सेक्टर में रिंगबाला इलाके में बर्फीला तूफान आया। 45 राष्ट्रीय राइफल के 5 जवान इस तूफान की चपेट में आ गए हैं। जानकारी मिलते ही सेना ने बचाव कार्य शुरू कर दिया। अब तक जवानों की टुकड़ी बर्फ में दबे सैनिकों तक पहुंचती, तब तक 3 जवान शहीद हो चुके थे और 2 लापता जवानों की तलाश अभी भी जारी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख में स्थित हवाई अड्डों को जल्द ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ एक नया सशस्त्र सुरक्षा कवर मिलेगा। केंद्र ने तीनों नागरिकों हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए करीब 800 कर्मी मंजूर किए। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी। सीआईएसएफ सूत्रों ने बताया कि सबसे पहले जम्मू हवाई अड्डे को अगले महीने तक सीआईएसएफ को सौंप दिया जाएगा। बल में 1 से 6 लाख कर्मी है। बल देश के करीब 100 नागरिक हवाई अड्डों में से चालू 60 हवाई अड्डों की सुरक्षा करते हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 1965 और 1971 के लड़ाकों को स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन देने की बात कही है। नरवणे ने कहा कि सेना ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया कि 1965 और 1971 के युद्ध के योद्धाओं को स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन दी जाए। नरवणे वेटनेस डे पर बोल रहे थे कि इस दौरान उन्होंने शहीद सैनिकों के परिवारों को शुभकामनाएं दी और पेंशन के प्रस्ताव की जानकारी दी। सेना प्रमुख ने बताया कि साल 2019 में सेना ने 245 अधिकारियों और 1500 जीओसी को रिटायरमेंट के बाद नई नौकरियां प्राप्त करने में भी मदद की है। हिंदू कैलेंडर के माघ महीने के पहले दिन मकर संक्रांति के मौके पर आज जम्मू के मंदिरों में पहले दिन हजारों की संख्या में लोगों ने मंदिर में पहुंचकर इस पहले दिन की शुरुआत की। मंदिर में कतारों में खड़े लोग कई घंटों में खड़े होकर दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे। इस दौरान हिंदू मान्यता के तहत खिचड़ी भी मंदिरों में बनाई गई, जिसका पूरी तरह से भक्तों ने लुत्फ उठाया। मंदिरों में बाहरी राज्यों से श्रद्धालुओं का भी जमवाड़ा दिखा। आपको बता दें कि लोहड़ी के अगले दिन मकर संक्रांति के मौके पर आज ही के दिन नए साल की शुरुआत हुई जाती है। वेटरन डे पर आज सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से शहीद स्तंभ स्मारक पर एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इसमें उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान मुख्य अतिथि थे, जबकि रिटायर्ड मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल व सेना के कई अधिकारी भी वहां उपस्थित थे। वहां इस मौके पर उन्होंने स्कूली बच्चों व एनसीसी कैंडिडेट्स के साथ उन सैनिक शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्यों और पार्टी के वरिष्ठ नेता महेंद्र भारद्वाज ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने किसानों का मामला केंद्र व जम्मू कश्मीर यूटी सरकार के समक्ष रखा। उन्होंने एक तो किसानों की बारिश व ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हो गई हैं, दूसरे उन्होंने फसलों को उचित दाम नहीं मिल रहे हैं, जबकि किसान वर्ग परेशान है। इस पर सरकार की तरफ से किसानों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, इसलिए सरकार किसानों की समस्याओं को हल करने के बारे में कुछ उचित कदम भी उठाने चाहिए। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जम्मू में धरने पर बैठे खिदमत सेंटर संचालकों ने आज 21वें दिन भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। इस मौके पर लोगों का कहना था कि उपराज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की थी और उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया था। उन्होंने उपराज्यपाल से मांग की कि उन्हें बैंक में नौकरी दी जाए, ताकि उन्हें अब राहत की सांस मिल सके। सिख संगत की तरफ से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें इसके राष्ट्र अध्यक्ष डॉक्टर जसविंद सिंह ने पाकिस्तान में सिख लड़की का अपहरण, उसके साथ जबरन शादी करने व ननकाना साहिब में पथराव करने के मामले को लेकर पाकिस्तान सरकार की कड़ी निंदा की और कहा कि पाकिस्तान ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए, क्योंकि ऐसी घटनाओं के पाकिस्तान के लिए बुरे परिणाम आ सकते हैं। 15 जनवरी 2020 को बीजेपी के प्रदेश प्रधान पद के जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर पार्टी के प्रदेश प्रधान रविंदर रैना ने आज पार्टी हेडक्वार्टर में प्रदेश प्रधान पद के लिए फिर से अपना नामांकन पत्र भरा। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता के साथ साथ उनके समर्थक भी उनके साथ थे।
जम्मू में शुरू ट्रैफिक वीक के तहत ट्रैफिक विभाग की तरफ से वे मॉल जम्मू में एक पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू के कई स्कूलों के कलाकार बच्चों ने हिस्सा लिया और पेंटिंग बनाकर लोगों को अपना संदेश दिया कि वे सख्ती के साथ ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और गाड़ी चलाते समय सुरक्षित रहें। आरटीओ जम्मू भी इस मौके पर मुख्य अतिथि थे। तो आगे से अपनी सेफ्टी के लिहाज से आप फॉलो करेंगे कि बहुत इजी रहेगा ताकि हम बच्चों को भी प्राइस देते हैं। ओके राइट, तो मैं बीच में जाता हूं, आप सवाल करिए। चलो तो बच्चों, अब आपका नंबर है रेड एफएम की तरफ से, आपको जो है प्राइस जीतने का मौका मिलेगा। सवाल ध्यान से सुने। 26 जनवरी के मद्देनजर जम्मू में स्कूल के बच्चों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बच्चों में उत्साह बना हुआ है और आज भी बच्चों ने जमकर रिहर्सल की। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय जेम ऑप्टिशन एंड कॉन्टेक्ट लेंसेज, नई बस्ती जम्मू, नरेंद्रा सन एंटरप्राइजेस, रेजिडेंसी रोड जम्मू, कृष्णा डायग्नोस्टिक लैब कमिटेड टू प्रूव क्वालिटी, पेशेंट केयर एंड डायग्नोसिस अंडर वन रूफ, 51/9 त्रिकुटा नगर नियर पुलिस स्टेशन, पूरी एक्सक्लूसिव वुमेन, डिजाइनर सूट, साड़ीज, लहंगाज एंड ब्राइडल गाउन्स, गणेश दया नर्सिंग होम, तलापतिलो रोड बिहाइंड पेट्रोल पंप, पक्का गराट, जम्मू, फ्रेंड्स टॉयज, विजिट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ टॉयज फॉर ऑल एज ग्रुप, संजय नगर, जम्मू।